सबसे पहले हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या एक्सपीरियंस है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को लेकर। अच्छा है कॉलेज, जैसी एक्सपेक्टेशन है वैसी वो प्लेसमेंट मिल जाए और क्या चाहिए। अच्छा, तो आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हैं? बीटेक सीएससी। अच्छा, तो कैसा कहना चाहेंगे, फैकल्टी कैसी है यहाँ की? फैकल्टी अच्छी है, रिस्पॉन्सिबल है, बट कभी कभी हो जाती है गड़बड़। अच्छा, तो जैसे आपने गलगोटियाज में एडमिशन लिया, तो यहाँ पे एक्चुअली बच्चे बहुत सारे हैं, हॉस्टल्स बहुत कम है, तो आपने कैसे सर्च किया कि आप कहाँ रहेंगे? मैं तो अप डाउन करता हूँ वैसे दिल्ली से। अच्छा, और क्या मतलब आप सजेशन देना चाहते हैं यूनिवर्सिटी? सजेशन यही देना चाहता हूँ कि प्लेसमेंट के बारे में मामले में अच्छी है और पढ़ाई के मामले में अच्छी है, सीखने को मिलता है, कॉलेज लाइफ देखने को मिलती है। तो आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी कॉलेज लाइफ? बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। इन लोगों से जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर आपका? यहाँ पे वैसे तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, बच्चे अच्छे आते हैं, मतलब पढ़ाई वढ़ाई करने वाले बहुत हैं। यहाँ का मैनेजमेंट बस ठीक नहीं है, कोई भी काम अगर हम लोग करवाने के लिए उसमें काफ़ी टाइम लगता है और मतलब टाला जाता है काम को। फैकल्टीज बहुत सपोर्टिंग है, बहुत मतलब जो बच्चे पढ़ने के लिए आए तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, और जो गुंडागर्दी करने के लिए भी आए उनके लिए बहुत अच्छा है कि यहाँ पे वैसा माहौल रहता ही है, और वैसे यहाँ पे एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ का। कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हैं? बीटेक। अच्छा, तो सबकी फैकल्टी से आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, फैकल्टीज काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे। अभी तक हम लोग जितने हुए, हम लोग के सेकेंड ईयर खत्म होने वाला है, अभी तक जितनी फैकल्टी हम लोग को मिली है सारी बहुत ही अच्छी, कोई भी ऐसी लगे कि हाँ टालती हैं पढ़ाई को या कुछ करना नहीं चाहती, बहुत अच्छे से। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो बहुत दिक्कत आती है कि अपना हॉस्टल वगैरह पीजी कैसे चूज करें, तो मतलब आप कैसे किया? हम लोग तो जैसे कि हम लोग तो इधर के है ही नहीं, हम लोग तो बाहर से आए हैं, तो हम लोग ने तो ऑनलाइन ही सर्च किया था, यूट्यूब पे कुछ कुछ चैनल्स बन रखे हैं, उधर ब्लॉग्स वगैरह बन रखे हैं, तो उधर सर्च कर सकते हैं। और जीव का हॉस्टल ट्राई करना मत ही लेने का, क्योंकि दिक्कत रहती है यहाँ पे, हम लोगों ने बच्चों से बात बात कर दी तो कहते कि यहाँ पे बहुत दिक्कत है। तो अभी आप कहाँ हैं? अभी तो हम लोग का हॉस्टल है स्टैंडर्ड लिविंग एडिलेड हाउस, तो हम लोग वहाँ पे नॉलेज पार्ट। तो आप सेटिस्फाइड हैं उसकी फैसिलिटीज? हाँ, वो बहुत अच्छा हॉस्टल है हम लोग। फूड वगैरह उसका? हाँ, फूड तो इतना अच्छा नहीं लेकिन बाकी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और बहुत कम रेट में प्रोवाइड करता है, तो काफ़ी अच्छा। ठीक, आप क्या कहना चाहेंगे गलगोटियाज यूनिवर्सिटी कैसे एक्सपीरियंस? अभी तक का तो अच्छा ही रहा है, बट देखा जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, और प्लेसमेंट में ऑब्वियसली हमारा यूनिवर्सिटी अच्छी है काफ़ी, अब क्योंकि नंबर बढ़ रहा है तो कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली बढ़ रहा है, देखते हैं। कौन सा कोर्स पर्स्यू कर रहे हैं? बीटेक सीएस। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं लगभग बीटेक सीएस? अभी हमारे सेकेंड ईयर में तो ऑलमोस्ट 30-35 सेक्शन हैं, और अभी फर्स्ट ईयर में 3 हैं, तो आप पर क्लास में लगभग 70। अच्छा, आपने यहाँ पे एडमिशन लेने का कैसे सोचा? मैंने यहाँ पे एक्चुअली देखो काफ़ी सारे फॉर्म्स भरे थे, मैंने काफ़ी जगह एक्सप्लोर करा था, मेरे को दिल्ली गुड़गांव साइड चाहिए, दिल्ली गुड़गांव साइड चाहिए था, मैं तो यहाँ से बाहर नहीं जाती, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ टॉप कॉलेज में आता ही आता है यूनिवर्सिटी। तो फैकल्टी से आप खुश हैं यहाँ की? हाँ, अनसेटिस्फाइड विद द फैकल्टी, यहाँ पे अच्छी है, पढ़ने वालों के लिए तो बहुत अच्छी फैकल्टी है, प्लस डिपेंड करता है बच्चे पे कैसे। तो आप यही लोकल के हैं या फिर आप यहीं बाहर हैं? मैं दिल्ली। अच्छा, तो आप रोज अप डाउन करते हैं? नहीं, हॉस्टल। कैसे आपने चूज करा, मतलब आपको हॉस्टल कैसे मिला? हॉस्टल में जब यहाँ यूनिवर्सिटी में देख नहीं आए थे तो नॉलेज वाले तो नहीं है, तो हम गए तरह से हॉस्टल से, तो हमने वहीं पर ही मतलब सर्च किया और सब हॉस्टल्स के रूम। कौन से हॉस्टल में? आनंद हॉस्टल। अच्छा, आप सेटिस्फाइड हैं सर्विसेज से? ट्रांसपोर्ट उसका? ट्रांसपोर्ट अच्छा है और टाइम टू टाइम बसेस मिल जाती हैं आना जाना सब। अब उसका भी अब इनसे जानते हैं गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में इनका अब तक का कैसा एक्सपीरियंस है। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, मतलब यहाँ पे काफ़ी नई चीज़ें ट्राई करने को मिली थी, यहाँ का फैकल्टी बहुत अच्छा है, लेकिन बस यहाँ का मैनेजमेंट थोड़ा है कि टाइम टेबल की थोड़ी दिक्कत या प्रॉब्लम या भी आती रहती है, लेकिन अगर तुम वैसे पढ़ने वाले बच्चे हो तो टीचर काफ़ी सपोर्टिव है उस चीज़ के लेकर, और आपको यहाँ पे काफ़ी नए फ्रेंड्स मिलेंगे, एक्टिविटीज़ काफ़ी होती हैं, इवेंट्स काफ़ी होते हैं इसमें, तो अगर आप मतलब न्यू चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सीखेंगे। हमारे कोर्स की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो हमें प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे माइनर उसमें हेल्प करते हैं, एक तरीके से गाइड बन जाते हैं हमारे, तो वो उसमें काफ़ी मदद करते हैं, पढ़ाई अच्छी है यहाँ की। और जैसे कि यहाँ पे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन हॉस्टल्स और पीजीज बहुत कम है, तो आपने अपने लिए एक अच्छा हॉस्टल कैसे चुना था? मैंने ऑनलाइन ही सर्च करा था कि नियरेस्ट होटल अराउंड गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, तो सबसे ज़्यादा नॉलेज पार्क में हॉस्टल है, तो वहाँ पे पूरा एक हब है इसका, तो आप वहाँ से अपना देख सकते हैं।
मैं स्टेंजा लिविंग में रहता हूँ एडिलेड। अच्छा, तो आप सेटिस्फाइड हैं उससे? हाँ, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। एक तो वो लो बजट है और काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट भी देता है, लंच वगैरह सब अच्छा उसका। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को लेके, यूनिवर्सिटी को लेके अगर आना चाहें बच्चे जो सीखना चाहते हैं वो आ जाएं, लेकिन यहाँ के यूनिवर्सिटी का हॉस्टल ज़्यादातर अवॉइड करें, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, थोड़ा इधर एरिया से दूर है तो रात में ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी इशू हो जाता है। और बाकी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, पढ़ना चाहिए। हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप अपने भी बनिया है तो आ सकते हैं, पैसे तो काफ़ी है मगर रीजनेबल भी रेट है और पढ़ाई भी अच्छी होती है यहाँ पे। मैनेजमेंट का तो देखो ऐसा है कि हर कॉलेज में अपनी अपनी मैनेजमेंट होती है, तो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरी है, तो उस इम्प्रूवमेंट को जानवी जी अच्छे से बता पाएंगे, मगर मैनेजमेंट बेसिकली यूनिवर्सिटी अच्छी है बट मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है। कभी भी कुछ भी फाइंड कर देते हैं विदाउट एनी रीजन, तो इट्स अ प्लेस जहाँ अप एंड डाउन की को थ्रू होते हो बट तुम कोई सुनने वाला नहीं। मैंने 200 रुपये फाइन लगा, मैंने फीस सबमिट कर दी है बट फर्स्ट ईयर में मैंने भी 3500 फाइन भरा था और इन लोगों ने नेट ड्राफ्ट भेजा था उनके घर से और ये अपने साइड से कुछ भी नहीं मानते कि इनकी फॉल्ट है, बाकी मैनेजमेंट ही खराब है, बाकी सब कुछ अच्छा है, सुनते ही नहीं है। जनरली बोलूँ तो ठीक है, एज पर पैसे के मामले में आप आ सकते हैं अमेठी, अगर आपका बस में नहीं है आप गलगोटिया आ सकते हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़ने के लिए कोई अच्छे एनएलयू, अगर लॉ में हो तो कुछ अच्छे एनएलयू जाओ और ठीक है बाकी सब तो पढ़ने के लिए आप आ ही सकते हो। अगर आप लोकल यूपी में रहते हो तो आप गलगोटिया को फेवर कर सकते हैं। तो आप पढ़ाई होती है करने वाले के ऊपर है, तुम जो तुम कर रहे हो तुम्हें लगा लगने वाले को 1.5 करोड़ के पैकेज लग रहे हैं, ना लगने वाले को 2000 की जॉब मिले। तो आने वाले बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? मेहनत करें, पढ़ें, नहीं करें। तो आइए जानते हैं इनसे एक लाइन में। हाँ, बहुत अच्छा है, यहाँ पे लड़कियाँ वहाँ से ज्यादा होती है, यहाँ पे भी लड़के पढ़ने नहीं आते, लड़कियाँ मतलब किसी पे ज्यादा ट्रस्ट ना करें, पढ़ाई करें, कुछ नहीं करें।